गर्मी साग या कलम्बी साग के फायदे इतने हैं कि आयुर्वेद में सदियों से इसका प्रयोग कई आम बीमारियों के इलाज के लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। कलम्बी एक ऐसा साग है जो पानी मिलने पर ही कहीं भी उगने लगता है और पानी नहीं मिलने पर सूख जाता है। कलम्बी पूरे साल उगता है बशर्ते कि उसको मिट्टी से पानी मिलता रहे। कलम्बी साग मीठा और ठंडे तासीर का होता है। ये सांस संबंधी बीमारियों से लेकर सर्दी खांसी के लिए भी फायदेमंद होता है। चलिए कलम्बी साग के अन्य अनजाने फायदों के बारे में जानते हैं। कलम्बी या गर्मी साग के कोमल कलियों एवं पत्तियों का साग बनाया जाता है। इसका पुष्पकाल मई से जुलाई तथा फलकाल अगस्त से दिसंबर तक होता है। करेमू या कलम्बी साग मीठी और थोड़ी कड़वी, प्रकृति से ठंडे तासीर की, हजम करने में भारी होती है और संरचना में थोड़ी रुखी होती है। कलम्बी वात और कफ को कम करने वाली, ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने में, शुक्रिया स्पर्म का काउंट बढ़ाने में मदद करती है। कलम्बी देर से पचने वाली होती है। कलमी का फल मधुर, कषाय, ठंडे तासीर का तथा पित्त को कम करने में सहायता करता है। कलम्बी साग में पौष्टिकता इतनी होती है कि आयुर्वेद में यौन संबंधी बीमारियों के अलावा कई बीमारियों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किन किन बीमारियों के लिए और कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। आँख संबंधी बीमारियों में बहुत कुछ आता है, जैसे सामान्य आँख में दर्द, रतौंधी, आँख लाल होना आदि। इन सब तरह की समस्याओं के साथ अभिष्यंत भी में कलम्बी से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। कलमी के पत्ते का रस आँखों के चारों ओर यानी बाहर की ओर लगाने से अभिष्यंत ठीक होता है। अगर किसी कारणवश सांस लेने में समस्या हो रही है तो तुरंत आराम पाने के लिए कलम्बी का सेवन ऐसे करने से लाभ मिलता है। 1-2 ग्राम कलम्बी साग बयान चूर्ण का सेवन करने से सांस की तकलीफ में लाभ होता है। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो कलमी साग से इसका इलाज किया जा सकता है। 10 मिली कलमी के पत्ते का काढ़ा दिन में 2 बार सेवन करने से खांसी में फायदा मिलता है। अगर ज्यादा मसालेदार तीखा खाने के आदि है तो बाइल्स या अर्श होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें कलम्बी का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। 2 चम्मच करेमू के पत्ते के रस में 1 बादाम गिरी को पीसकर मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करने से अर्श या पाइल्स में लाभ होता है। मूत्राशय ब्लैडर में पथरी होने पर इसके कष्ट से तभी निजात मिलेगा जब वह निकल जाएगा। प्राकृतिक तरीके से पथरी निकालने में कलम्बी के पत्ते असरदार तरीके से काम करते हैं। 10 मिली करेमू के पत्ते के काढ़े का सेवन करने से मूत्राशय टूट टूट कर निकल जाती है। अगर किसी एलर्जी के कारण दाद हुआ है तो इसको ठीक करने के लिए कलम्बी का इस्तेमाल ऐसे करने से जल्दी लाभ मिलेगा। करेमू के नए खिले हुए फूल की कलियों को पीसकर दाद के प्रभावित स्थान में लगाने से लाभ होता है। अगर लंबे बीमारी के कारण या पौष्टिकता की कमी के वजह से कमजोरी महसूस हो रही है तो कलमी साग का इस तरह से सेवन करने पर लाभ मिलता है। करेमू बयान का सेवन करने से सामान्य दुर्बलता तथा तंत्रिका कमजोरी नब्ज में लाभ होता है। बीमारी के लिए कलम्बी के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए कलम्बी का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार 5-10 मिली कलम्बी का रस का सेवन कर सकते हैं। इसकी लंबी घास जैसी लताएं जलाशयों पर दूर तक फैली हुई पाई जाती हैं। जिन तालाबों में या नदियों में पानी सदैव बना रहता है वहां यह लगभग वर्ष पर्यंत पाई जाती है। जब पानी सूख जाता है तो यह भी सूख जाती है, परंतु इसकी जड़ें मिट्टी के नीचे दबी हुई रहती है जो वर्षाकाल में पुनः अंकुरित होकर पानी की सतह पर फैल जाती है।